बच्चों लेवल वन हम लोग डिस्कस करेंगे। आईपीएससी नोमेनक्लेचर चैप्टर है एमएस चौहान जेई एडवांस। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन में बच्चों कहता है टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द एवब कंपाउंड। देखिए बच्चों, जब भी हम पेरेंट चेन का सिलेक्शन करते हैं, कोई भी कार्बन वाला सीनियर फंक्शनल ग्रुप आ जाए, कोई भी कार्बन वाला सीनियर फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो सीनियर फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को ही पहला कार्बन मान करके पेरेंट चेन बनाते हैं। ये रूल है बच्चों, ठीक है ना? मतलब इस बात को ध्यान रखेंगे तो बहुत ही फास्टली हम पेरेंट चेन बना लेते हैं। 13 सीनियर फंक्शनल ग्रुप हैं, 13 में से बच्चों जो भी कार्बन वाला सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, तो सीनियर फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को ही पहला कार्बन मान करके पेरेंट चेन बनाएंगे और नंबरिंग भी करेंगे, ठीक है ना? तो बच्चों यहाँ पर ये 1 हो गया, 2 हो गया, फिर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और ये 6 हो गया। एक बार जब पेरेंट चेन का सिलेक्शन हो जाता है, तो बच्चों उसमें से जो मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा, जिसको प्रिंसिपल ग्रुप भी बोलते हैं, मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप का तो सफिक्स यूज में लिया जाता है। उसके अलावा जो भी ग्रुप पेरेंट चेन से लगा होगा, वो सब के सब सब्स्टिट्यूएंट होंगे बच्चों। क्या बोला मैंने? मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप का तो सफिक्स यूज में लिया जाता है, बाकी है ना, बाकी जितने भी ग्रुप पेरेंट चेन से डायरेक्टली जुड़े होंगे, ठीक है ना, चाहे वो सीनियर फंक्शनल ग्रुप हो चाहे वो जूनियर फंक्शनल ग्रुप, समझ गए बात को, सबके सब सब्स्टिट्यूएंट बनेंगे, ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन में अपने से पूछा है सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन सा है बच्चों, तो क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, ये 3 ही सब्स्टिट्यूएंट है जो कि पेरेंट चेन से जुड़े हुए हैं मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप को छोड़ करके, ठीक है ना? तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बच्चों यहां पर हो जाएगा 3। बच्चों यहां पर सबसे पहले कोई भी मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप यहां पर नहीं प्रेजेंट है, ठीक है ना, तो कोई लफड़ा ही नहीं बच्चों। पेरेंट चेन सिलेक्शन का रूल क्या होता है बच्चों? पेरेंट चेन का सिलेक्शन का रूल होता है कि अगर कोई सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, तो सबसे पहले हम मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप को पेरेंट चेन में शामिल करते हैं, मतलब वो तो होना ही चाहिए। फिर बच्चों कोई मल्टीपल बॉन्ड है तो मल्टीपल बॉन्ड को शामिल करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड पेरेंट चेन में आना चाहिए। और फिर बच्चों मैक्सिमम कार्बन आने चाहिए, है ना बच्चों, मैक्सिमम कार्बन आने चाहिए। और फिर बच्चों मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट आने चाहिए, ये रूल होता है, ठीक है ना? बाकी और धीरे धीरे मैं आपको समझाता जाऊंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो बच्चों यहां पर देखिए क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कोई सीनियर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो नहीं है। तो अब मल्टीपल बॉन्ड वाली बात आ गई, तो हमें ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड को शामिल करते हुए पेरेंट चेन बनाना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना, 6 कार्बन का पेरेंट चेन होने वाला है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब बच्चों ये पेरेंट चेन होने वाला है, तो अब हमें सवाल उठता है नंबरिंग किधर से करें, तो नंबरिंग का क्या रूल है? तो नंबरिंग का रूल ये है बच्चों कि आप दोनों तरफ से नंबरिंग कीजिए, मल्टीपल बॉन्ड को जिधर से नंबर, मल्टीपल बॉन्ड में नंबरिंग का रूल बता रहा हूं आपको, जिधर से मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलेगा वही वाला नंबरिंग सही हो जाएगा। तो बच्चों इधर से आप नंबरिंग करोगे तो मल्टीपल बॉन्ड को 1 नंबर और इधर से मल्टीपल बॉन्ड को भी 1 नंबर मिल रहा है। दोनों तरफ से जब मल्टीपल बॉन्ड को सेम नंबर मिले, तब बच्चों एल्कीन और एल्काइन में हम एल्कीन को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ईन और आइन में ईन को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 कार्बन का पेरेंट चेन बन गया, तो बच्चों हेक्स, क्या नाम होगा? हेक्स। अच्छा, कुछ बच्चों को इसमें भी कन्फ्यूजन होता है कि हेक्स होगा कि हेक्सा होगा। बच्चों हेक्सा तभी होगा जब डबल बॉन्ड रिपीट करे या फिर ट्रिपल बॉन्ड रिपीट करे, है ना बच्चों? यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए हेक्स ही होगा, ठीक है ना? हेक्सा कब बोलते? जब 2 बार डबल बॉन्ड आता है या 2 बार ट्रिपल बॉन्ड आता है ना बच्चों, मतलब मल्टीपल बॉन्ड रिपीट होना चाहिए। तो ये हो गया, हेक्स ही होगा। अब उसके बाद बच्चों हेक्स हो गया तो आपको पता है कि क्या लिखते हैं, पहले इन लिखते हैं और फिर आइन लिखते हैं, है ना? रूल क्या होता है बच्चों? एल्केन, है ना, और प्लस का इन
एल्क, एल्क बोलेंगे, है ना, प्लस का इन और प्लस का आई, एल्कीनाइन बोलते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों हेक्स वन इन और फाइव आयन, तो देखिए ये बी सही दिख रहा है। मल्टीपल बोन पर जो नंबरिंग करते हैं ना बच्चों, उसमें जो मिनिमम नंबर होता है ना, जैसे देखिए इस डबल बोन पर वन टू लिखा हुआ है, तो वन टू में मिनिमम नंबर वन है, तो डबल बोन का पोजीशन वन हो गया। फाइव सिक्स लिखा हुआ है ट्रिपल बोन पर, तो फाइव हो गया इसका नंबर हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। अब बच्चों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री में। क्वेश्चन नंबर थ्री है बच्चों, साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है तो रिंग में कार्बन की संख्या ज्यादा दिख रही है, तो रिंग ही पेरेंट चेन होगा होगा। अब नंबरिंग कैसे करें, नंबरिंग इस प्रकार से करेंगे ताकि सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिले। तो बच्चों नंबरिंग यहां पर दो प्रकार से होगा, ये वन और ये टू बनेगा, या फिर ये वन या टू बनेगा। अगर मैं इसको फॉलो करता हूं तो सब्स्टिट्यूएंट के नंबर आएंगे बच्चों वन टू टू, और अगर मैं इस वन टू को फॉलो करता हूं, इस वन टू को फॉलो करता हूं रेड वाले को, तो बच्चों यहां पर बनेगा वन वन टू बनेगा, सब्स्टिट्यूएंट का नंबर ये है। अब दोनों में से मिनिमम सब्स्टिट्यूएंट किस में है, तो मिनिमम सब्स्टिट्यूएंट मिलाने का तरीका होता है बच्चों कंपेयर के, पहला को पहले से कंपेयर किया, पहला पहला सेम है, दूसरा यहाँ टू है बच्चों यहाँ पर वन है, तो मिनिमम सब्स्टिट्यूएंट इसमें है, तो ये सही हो गया और ये गलत हो गया। इसका मतलब रेड वाले के हिसाब से नंबरिंग होगा, है ना। तो रेड वाले के हिसाब से बच्चों टू इथॉक्सी होगा और वन वन डाइमिथाइल, टू इथॉक्सी वन वन डाइमिथाइल, देखिए कहाँ दिख रहा है आपको, और फिर बच्चों साइक्लोहेक्सेन, टू इथॉक्सी वन वन डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, देखिए बी में दिख रहा है, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर के बारे में। कहता है हाउ मेनी सेकेंडरी कार्बन, टू डिग्री का कार्बन बच्चों देखिए ये वाला है और टू डिग्री का कार्बन यही है, और टू डिग्री हाइड्रोजन, तो टू डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो होता है बच्चों वो क्या होता है, टू डिग्री का हाइड्रोजन, तो टू डिग्री कार्बन दो है, कार्बन दो है बच्चों, और हाइड्रोजन भी दो ही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक तीन बोन बनाए हुए थे, एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, तो टू डिग्री का कार्बन भी दो और टू डिग्री का हाइड्रोजन भी दो, तो बी हो गया करेक्ट आंसर। अब बच्चों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव के बारे में। कहता है विच आईयूपीएसी नेम इज करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर ये जो चैन है बच्चों, अभी कुछ देर सिखाया था आपको कि प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चैन में आने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप में बच्चों कौन बन रहा है, यहाँ पर एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड भी कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप है, तो बच्चों इसको वन मान लीजिए, है ना, इसको वन मान करके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट, आठ कार्बन का पेरेंट चेन बन गया बच्चों, बहुत बढ़िया बात। फिर बच्चों देखिए तीसरे पर मिथाइल है और सातवें पर मिथाइल है, तो थ्री सेवन डाइमिथाइल, थ्री सेवन डाइमिथाइल, फिर बच्चों, और चूंकि यहाँ पर देखिए सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप है ना बच्चों, तो मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप का हमेशा सफिक्स यूज में लिया जाता है ना, तो तीसरे और सातवें पर दो मिथाइल है, तो थ्री सेवन डाइमिथाइल होगा। फिर बच्चों आठ कार्बन है तो ऑक्टा भी होगा, ऑक्ट नहीं होगा, ऑक्टा होगा, क्योंकि दो बार डबल बोन आ रहा है, डबल बोन का नंबर क्या है बच्चों, टू सिक्स है, ठीक है ना, तो थ्री सेवन डाइमिथाइल देखिए कहाँ दे रख दिख रखा है, यहाँ पर लिख रखा है बच्चों, और इसके अलावा कोई सब्सिक्वेंट है भी नहीं इसमें, तो थ्री सेवन डाइमिथाइल कहीं एक ही ऑप्शन में, मतलब साफ साफ पता लग रहा है कि पहला ही आंसर होने वाला है। अब इसको प्रूव करते हैं, आठ कार्बन है तो ऑक्टा भी होगा बच्चों, ऑक्टा भी सही दिख रहा है, फिर दूसरे और छठे पर डबल बॉन्ड है तो टू सिक्स भी दिख रहा है, फिर डाई इन जो लगा है वो भी सही है, और मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप के बदले क्या लगता है, उसका सफिक्स नेम लगता है अल, तो यहां पर बच्चों ये बन गया, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। अब बच्चों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स में। कहता है व्हाट इज द राइट द आईपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये कंपाउंड बच्चों अब यहाँ पर देखिए दो सीनियर फंक्शनल ग्रुप बेंजीन है, और बेंजीन से दोनों डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, जब भी कोई सीनियर फंक्शनल ग्रुप बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा होता है या कोई भी फंक्शनल ग्रुप बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा होता है बच्चों, तो ऐसी स्थिति में बेंजीन पेरेंट चेन होता है, मतलब नंबरिंग बेंजीन की होगी, ठीक है ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात।
लेकिन सवाल उठता है कि सीनियर फंक्शनल ग्रुप कितने हैं? दो हैं। तो सीनियर फंक्शनल ग्रुप है एस्टर और एसिटाइलाइड। एस्टर और एसिटाइलाइड में ज़्यादा सीनियर कौन, मोस्ट सीनियर कौन, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन? एस्टर। तो इसलिए ये वन होगा बच्चों, ये टू होगा। मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप को छोड़ करके, मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप को छोड़ करके जो भी सीनियर फंक्शनल ग्रुप होता है उसका प्रीफिक्स नेम उपयोग में लिया जाता है, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, है ना? क्या होते हैं बच्चों? सब्स्टिट्यूएंट। और तो और एस्टर में ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो ग्रुप होता है ये भी प्रीफिक्स बन जाता है, बोले तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लिखा जाता है। लेकिन चूंकि ये पैरेंट चेन से नहीं जुड़ा हुआ होता है तो इसलिए एस्टर में ऑक्सीजन से जुड़े हुए एल्काइल ग्रुप को सबसे पहले लिखा जाता है ना बच्चों? तो इस इथाइल को हम सबसे पहले लिखेंगे, तो इथाइल लिख दिया। इथाइल यहाँ भी लिखा हुआ है, इथाइल यहाँ भी लिखा हुआ है। फिर बच्चों इस दूसरे नंबर पर जो एसिड हैलाइड है इसका होता है हेलो कार्बोनिल प्रीफिक्स नेम, तो टू क्लोरो कार्बोनिल, यहाँ ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है बच्चों, ब्रैकेट फालतू में लगाया गया है, ठीक है ना? तो इथाइल फिर टू क्लोरो कार्बोनिल है, चलो ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद बच्चों बेंजीन है, तो बेंजीन कार्बोक्सिलेट नाम होगा, बेंजीन कार्बोक्सिलेट या फिर बेंजोएट। तो बच्चों यहाँ पर एक्सेनोएट बोला गलत हो गया, तो यहाँ पर बेंजोएट दिया हुआ है, ये सही है, ठीक है ना? तो 6 का 1 करेक्ट आंसर है। अब बच्चों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों सबसे पहले हमने देखिए सिस ट्रांस के बारे में चर्चा किया है, तो आपको पता है कि यहाँ पर सिस ट्रांस तो डिफाइंड होगा नहीं। सिस ट्रांस क्यों नहीं डिफाइंड होगा? क्योंकि सिस ट्रांस तब डिफाइंड होता है जब डबल बोन के कार्बन में कोई ना कोई ग्रुप आइडेंटिकल हो। इसका मतलब यहाँ पर कोई सिस आइडेंटिकल ग्रुप तो है नहीं दोनों डबल बोन्ड के कार्बन में। देखिए यहाँ क्लोरीन मिथाइल है बच्चों, यहाँ पर आयोडीन और ये है, तो कोई ग्रुप कॉमन नहीं, तो सिस ट्रांस यहाँ डिफाइंड नहीं होगा। तो यहाँ पर जो सिस ट्रांस डिफाइंड होगा बच्चों वो ई जेड के हिसाब से होगा। ई जेड निकालने के लिए आपको पता है सीनियर ग्रुप पता करते हैं, तो कार्बन और आयोडीन में सीनियर ग्रुप आयोडीन है बच्चों, तो ये सीनियर हो गया। और क्लोरीन और मिथाइल में बच्चों सीनियर ग्रुप ये है ना? तो इसका कन्फिग्रेशन है बच्चों जेड जेड। और जैसा कि आप देख रहे हो कि सीनियर ग्रुप अपोजिट है, तो सीनियर ग्रुप अपोजिट है तो बच्चों सॉरी जेड बोल दिया, ई ई होगा। सीनियर ग्रुप अपोजिट है मतलब ई होगा, और ई का मतलब होता है बच्चों कि इसका जो कन्फिग्रेशन होगा वो ट्रांस जैसा होगा, इसीलिए ई वाले को ट्रांस बोला जाता है और जेड वाले को सिस बोला जाता है, बट कायदे से सही नहीं है, ठीक है ना बच्चों? खैर, तो ई वाले को जब ट्रांस बोला जाता है बच्चों तो हम यहाँ पर ट्रांस बोलेंगे, तो यानी कि ट्रांस वाला नाम सही होने वाला है, ठीक है? यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब बच्चों हम आ जाते हैं पैरेंट चेन के सिलेक्शन में। पैरेंट चेन के सिलेक्शन में बच्चों यहाँ कार्बन शुरू, चूंकि मल्टीपल बॉन्ड है तो मल्टीपल बॉन्ड को कंटेन करते हुए ज़्यादा ज़्यादा कार्बन आना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना बच्चों? नंबरिंग किधर से करोगे? लेफ्ट से करते हैं तो डबल बॉन्ड को दूसरा नंबर मिल रहा है, और इधर से बच्चों डबल बॉन्ड को तीसरा नंबर मिल रहा है, इसलिए लेफ्ट से ही चलेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है ना? तो बच्चों दूसरे पर क्लोरो है, तीसरे पर आयोडो है, 2 क्लोरो 3 आयोडो यहाँ भी दिख रहा है, और 3 आयोडो 4 क्लो, ये तो गलती हो गया बच्चों, गलती हो गया, ठीक है ना? तो ये दोनों पहले ही गलत हो गया, सिस के कारण हो गया, और ये दोनों बच्चों 2 क्लोरो 3 आयोडो ये सही है, और 2 पेंटीन भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, सी भी गलत हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों देखिए दो सीनियर फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है ना, एमाइड है और एल्डिहाइड है, और एमाइड है और एल्डिहाइड है बच्चों, एमाइड है और एल्डिहाइड है, तो दोनों में से मोस्ट सीनियर कौन है? तो मोस्ट सीनियर है बच्चों एमाइड, ठीक है ना? तो एमाइड के कार्बन को पहला कार्बन मान करके पैरेंट चेन बनाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब बच्चों जैसा कि आपको पता है कि एल्डिहाइड के कार्बन को भी पेरेंट चेन में शामिल कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसको भी पेरेंट चेन में शामिल करेंगे। क्यों करेंगे पेरेंट चेन में शामिल? इसके पीछे कारण है, कारण यह है बच्चों कि अगर हम 5 कार्बन का पेरेंट चेन लें, 5 कार्बन का पेरेंट चेन लें तो भी सब्स्टिट्यूएंट 2 होगा, और 6 कार्बन का पेरेंट चेन लें तो भी सब्स्टिट्यूएंट 2 होगा। 2 सब्स्टिट्यूएंट कैसे होंगे ये भी सोचने वाली बात है। मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन है बच्चों? एमाइड है, तो मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप एमाइड को छोड़ करके जो भी सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा, जो बोल रहा हूँ उस पर गौर करना है, मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप एमाइड को छोड़ करके जो भी सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा वो सब के सब सब्स्टिट्यूएंट बनेंगे,
है ना, वो सब के सब सब्स्टिट्यूएंट बनेंगे बच्चों। तो यहाँ पर जो एल्डिहाइड है वो क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूएंट। मिथाइल जो है वो क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। तो बच्चों अगर 5 कार्बन का पेरेंट चेन लें तो भी एल्डिहाइड सब्स्टिट्यूएंट और मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट, और 6 कार्बन का पेरेंट चेन लें तो भी बच्चों एल्डिहाइड और मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट बनने वाले हैं, है ना। तो जब सब्स्टिट्यूएंट की संख्या सेम हो ना बच्चों, तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन पेरेंट चेन में आने चाहिए, इसलिए एल्डिहाइड के कार्बन को हम पेरेंट चेन में शामिल करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बच्चों दूसरे पर देखो क्या ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल है, तो 2 मिथाइल है बच्चों। और आपको पता है एल्डिहाइड के कार्बन को जब हम पेरेंट चेन में शामिल कर लेते हैं तो एल्डिहाइड का जो प्रीफिक्स नेम होता है वो होता है ऑक्सो। तो बच्चों 6 नंबर पर ऑक्सो भी है, तो 2 मिथाइल 6 ऑक्सो, 2 मिथाइल 6 ऑक्सो, और कहीं भी नहीं दे रखा है, एक ही ऑप्शन में दे रखा है बच्चों। फिर उसके बाद तीसरे पर डबल बॉन्ड है, तो Hex 3 Ene भी बोला सही है। और मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स नेम यूज में लिया जाता है, तो ओपन चेन में बच्चों एमाइड का सफिक्स नेम एमाइड ही होता है, तो इसलिए 3-ene-amide इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों जैसा कि आप देख रहे हो फंक्शनल ग्रुप सारे के सारे बेंजीन से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब बेंजीन पेरेंट चेन है यहाँ पर। क्लियर है बच्चों, बेंजीन पेरेंट चेन है। अब सवाल होता है कि नंबरिंग कैसे करें, तो नंबरिंग इस प्रकार से किया जाता है ताकि सब्स्टिट्यूएंट मिनिमम मिले। तो मिनिमम सब्स्टिट्यूएंट मिलने के लिए बच्चों हमें ये जो 3 सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर ब्रोमीन से जो लगे हुए हैं यहीं पर नंबरिंग करना चाहिए, क्योंकि 1 2 3 मिलेगा इधर से चलोगे, 1 2 3 फिर 1 2 3, और अगर आप फ्लोरीन से चलोगे बच्चों तो फिर यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट के जो नंबर होंगे वो बड़े बड़े होंगे, 1 के बाद 2 3 4 5 होगा, है ना बच्चों। तो इसलिए मिनिमम सब्स्टिट्यूएंट के लिए हर हमेशा रिंग में नंबरिंग वहीं से करना चाहिए, मतलब लगातार नंबरिंग करनी चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट को लगातार नंबर मिलने चाहिए, तो वहाँ पर मिनिमम सब्स्टिट्यूएंट मिलता है। तो इसमें बच्चों नंबरिंग करने के 2 तरीके होंगे, लेफ्ट टू राइट होंगे और फिर बच्चों राइट टू लेफ्ट होगा, राइट टू लेफ्ट होगा, 2 प्रकार की नंबरिंग होगा, 2 अलग अलग कलर से मैंने लिखा है। अब बच्चों दोनों से इसको तो नंबर सेम मिल रहा है, और फ्लोरिन को भी सेम नंबर मिलेगा, फ्लोरिन को भी 1 2 3 4 5 करोगे तो फ्लोरिन को 5 मिलने वाला है, और रेड से भी 5 ही मिलेगा, ठीक है ना बच्चों। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जब नंबरिंग सेम हो जाए, लोकेंट सेम मिले, है ना, तो वैसी स्थिति में जो करेक्ट नंबरिंग होगा वो होगा अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। अब बच्चों अल्फाबेट के अकॉर्डिंग देखिए, सबसे पहला अल्फाबेट जो है ब्रोमीन है बच्चों, तो आप लेफ्ट वाले को फॉलो करो तो भी ब्रोमीन को 2 मिल रहा है, और ग्रीन वाले को फॉलो करो तो भी ब्रोमीन को 2 ही मिल रहा है, दोनों केस में ब्रोमीन को 2 ही मिल रहा है बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि ब्रोमीन वाले अल्फाबेट से नंबरिंग डिसाइड नहीं होगा। तो ब्रोमीन के बाद अगला कौन सा है बच्चों, अगला अल्फाबेट कौन सा है, क्लोरीन है, तो अब क्लोरीन से डिसाइड होगा। तो क्लोरीन को मिनिमम नंबर किससे मिल रहा है, रेड से मिल रहा है या ग्रीन से मिल रहा है, ग्रीन से मिल रहा है बच्चों, तो ये ग्रीन वाला नंबरिंग ही सही होगा, तो ग्रीन वाला नंबरिंग सही होगा बच्चों। तो नंबरिंग कर देते हैं, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, चलिए नाम लिखते हैं 2 ब्रोमो 1 क्लोरो, पहले ढूंढिए 2 ब्रोमो 1 क्लोरो ढूंढिए, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो बच्चों यहाँ पर दिख रहा है और एक ही जगह दिख रहा है, ठीक है ना, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो। फिर बच्चों 5 पर फ्लोरो सही है, फिर 3 पर आयोडो, 3 आयोडो भी सही है बच्चों, और बेंजीन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब बच्चों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में। बच्चों मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन है, एस्टर। एस्टर के कार्बन को पहला कार्बन मान करके पेरेंट चेन बना लिया। एस्टर में ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो ग्रुप होता है बच्चों वो भी सब्स्टिट्यूएंट होता है, ये प्रीफिक्स बन जाता है, तो प्रीफिक्स बना दीजिए। और तो और प्रीफिक्स में जितने भी प्रीफिक्स होंगे, बोले जितने भी सब्स्टिट्यूएंट होंगे उसमें सबसे आगे ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो मिथाइल आएगा बिल्कुल आगे आगे, और मिथाइल कहीं पर भी आगे नहीं लिख रखा है, मतलब यही आंसर होने वाला है। दूसरे पर बच्चों इथाइल है, पेरेंट चेन में देखिए 2 इथाइल है, और फिर 4 कार्बन से ब्यूटेन, और एस्टर का सफिक्स नेम होता है बच्चों, मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स नेम यूज में लेते हैं, तो ओएट हो जाएगा, तो नाम हो जाएगा ब्यूटेनोएट। क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों देखिए मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक है, तो इसको 1 मान करके और पेरेंट चेन बना लीजिए, नंबरिंग कर लीजिए बच्चों, 4 कार्बन हो गया, तो 4 कार्बन से हो गया ब्यूट 2 इन। तो देखिए ब्यूट 2 इन कहाँ दिख रहा है आपको, ब्यूट 2 इन यहाँ पर दिख रहा है, ब्यूट 2 इन यहाँ पर दिख रहा है, ये दोनों गलत हो गया, है ना बच्चों। फिर उसके बाद जो है
पहले पर ओइक एसिड है तो वन ओइक एसिड, यहाँ पर फोर ओइक एसिड, तो ये सही हो गया बच्चों, ये गलत हो गया, ठीक है ना। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 में बच्चों देखिए, यहाँ पर कोई मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप है क्या? नहीं है, सीनियर फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है कोई, तो इसका मतलब सीनियर फंक्शनल ग्रुप का लफड़ा खत्म। अब हमें पेरेंट चेन का सिलेक्शन इस प्रकार से करना है ताकि मल्टीपल बॉन्ड ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो बच्चों इधर से और इधर से जब आप चलोगे तो 1 2 3 4 चार कार्बन का पेरेंट चेन आ गया, जिसमें ये सब्स्टिट्यूएंट बनने वाला है। अब बच्चों नंबरिंग कैसे करते हैं? तो नंबरिंग करने के लिए सबसे पहले सीनियर फंक्शनल ग्रुप हो तो उसको मिनिमम मिलना चाहिए, सीनियर फंक्शनल ग्रुप नहीं हो तो डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम मिलना चाहिए। आप लेफ्ट से चलोगे तो भी डबल बॉन्ड को 2 नंबर मिल रहा है, राइट से चलोगे तो भी डबल बॉन्ड को 2 नंबर मिल रहा है। तो जब डबल बॉन्ड को दोनों तरफ से सेम नंबर मिल जाए तो सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से नंबरिंग होगी। तो बच्चों यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 और 4 हो गया बच्चों। तो दूसरे पर हो गया मिथॉक्सी 2 मिथॉक्सी और फिर ब्यूट 2 इन हो गया, है ना। तो 2 मिथॉक्सी ब्यूट 2 इन, देखिए एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अब हम बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में फिर से मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन है? एस्टर। तो एस्टर के कार्बन को पहला कार्बन मान करके पैटर्न चेन बना लीजिए बच्चों। तो ये हो गया, एस्टर में ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो ग्रुप होता है वो होता है सब्स्टिट्यूएंट, और उस सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले प्रीफिक्स के रूप में लिखा जाता है बच्चों। तो इथाइल तो आएगा आगे आगे, और इथाइल देखो यहाँ भी दिख रहा है, और बाकी ये दोनों में नहीं है तो ये दोनों गलत हो गया। फिर बच्चों दूसरे पर मिथाइल है तो 2 मिथाइल यहाँ भी है, 2 मिथाइल यहाँ भी है, बहुत बढ़िया बात है। फिर पैरेंट चेन में 3 कार्बन बच्चों, पैरेंट चेन में 3 कार्बन तो प्रोप भी होगा, प्रोप यहाँ भी दिख रहा है, बराबर टक्कर चल रहा है। दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है बच्चों तो 2 इन होगा, तो 2 इन ना, यहाँ पर 1 इन दे रहा है तो ये गलत हो गया, सीधा सीधा 2 इन हो गया बच्चों। और फिर उसके बाद जो है एस्टर का सफिक्स नेम होता है ओएट, तो ओएट हो गया, तो बच्चों यहाँ पर ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों हमें देखना है कि क्या कोई सीनियर फंक्शनल ग्रुप है एमाइन है बच्चों। तो हम इस प्रकार से नंबरिंग करेंगे ताकि एमाइन, देखिए अब एमाइन एक ऐसा सीनियर फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन नहीं है, जिसमें कार्बन नहीं है, ठीक है ना बच्चों। तो अब इसमें पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे ताकि एमाइन का कार्बन पेरेंट चेन में आ जाए। अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं हो ना बच्चों, तो उस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन कौन सा होगा जो पेरेंट चेन में शामिल होगा, जिससे वो जुड़ा होता है। तो ये वाला कार्बन को हमें पेरेंट चेन में शामिल करना ही पड़ेगा, तो इसको पेरेंट चेन में शामिल करना है। तो उस पेरेंट चेन में शामिल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन 1 2 3 4 चार कार्बन बच्चों। नंबरिंग किधर से करोगे, कैसे करोगे? नंबरिंग हम इस प्रकार से करेंगे ताकि मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप बोले तो एमाइन को क्या मिले, मिनिमम नंबर मिले। तो बच्चों 1 2 3 और 4 चार कार्बन का पेरेंट चेन ही हो गया। अब बच्चों यहाँ पर देखो, मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप को छोड़ करके जो भी ग्रुप पेरेंट चेन से डायरेक्ट जुड़े होंगे वो सबके सब सब्स्टिट्यूएंट होंगे। तो बच्चों दूसरे और तीसरे पर 2 मिथाइल है तो 2 3 डाई मिथाइल हो गया। फिर उसके बाद बच्चों ब्यूटेन 1 एमाइन 2 3 डाई मिथाइल, यहाँ सही दिख रहा है 2 3 डाई मिथाइल यहाँ सही दिख रहा है, ब्यूटेन 1 एमाइन यहाँ पर सही है बच्चों, यहाँ पर 4 एमाइन है तो ये गलत हो गया, ठीक है ना। और ये दोनों तो खैर नंबरिंग ही गलत है बच्चों, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अब बच्चों बात करते हैं कीटोन। जब कीटोन आ जाए तो बच्चों कीटोन के साथ एक दिक्कत है। कीटोन के साथ दिक्कत क्या है कि ये भी सीनियर फंक्शनल ग्रुप है लेकिन ये कभी भी टर्मिनल पर नहीं आता है। तो इसलिए अब हम ये नहीं बोल सकते कि कीटोन के कार्बन को ही पेरेंट चेन का पहला कार्बन मान करके पेरेंट चेन सिलेक्शन करें। एक्चुअली में रूल देखिए क्या है, रूल क्या है कि हर हमेशा पेरेंट चेन का सिलेक्शन टर्मिनल से होता है और नंबरिंग भी हमेशा टर्मिनल से ही होता है ना। और मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप जब कार्बन वाला होता है ना बच्चों, जैसे एल्डिहाइड आ गया, तो पेरेंट चेन का सिलेक्शन टर्मिनल से होगा, है ना। और नंबरिंग भी इस प्रकार से होगा कि मोस्ट सीनियर को क्या मिलना चाहिए, मिनिमम मिलना चाहिए, तो एल्डिहाइड टर्मिनल पर ही मिलेगा और एल्डिहाइड का कार्बन भी टर्मिनल पर ही है। तो इसलिए हम एल्डिहाइड के कार्बन को ही पहला कार्बन मान करके पेरेंट चेन बना लेते हैं, लेकिन कीटोन में हम ये काम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ये तो टर्मिनल पर होता ही नहीं है और पेरेंट चेन का सिलेक्शन हमेशा कहाँ से होता है, टर्मिनल से होता है। तो सबसे पहले रूल नंबर 1, पेरेंट चेन का सिलेक्शन 1 2 3 4 5, है ना, 5 कार्बन का पेरेंट चेन होने वाला है बच्चों यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। पेरेंट चेन का सिलेक्शन हो गया। अब सवाल उठता है पेरेंट चेन के सिलेक्शन के बाद नंबरिंग किधर से करें? तो नंबरिंग हम इस प्रकार से करेंगे ताकि
मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम मिले। तो मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर कीटोन है, तो 1, 2, 3, 4 और 5 है ना बच्चों। तो तीसरे पर इथाइल है, चौथे पर मिथाइल है, तो 3 इथाइल 3 इथाइल और 4 मिथाइल। देखिए 3 इथाइल 4 मिथाइल कहाँ दिख रहा है, दिख रहा है। फिर 5 कार्बन है तो पेंटेन भी हो गया बच्चों। फिर दूसरे पर ओन है तो पेंटेन 2 ओन हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। अब बच्चों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 में है ना, 16 में अच्छा हमने कीटोन में ओन क्यों यूज किया, तो मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप का हमेशा सफिक्स यूज में लिया जाता है ना। तो इसका सफिक्स यूज में लिया तो पेंटेन 2 ओन हो गया। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन है, एसिड हैलाइड। तो एसिड हैलाइड में कार्बन होता है, तो कार्बन को पहला कार्बन मान करके, एसिड हैलाइड के कार्बन को पहला कार्बन मान करके पैरेंट चेन बना लीजिए, बना लिया। तीसरे पर बच्चों मिथाइल है तो 3 मिथाइल हो गया। फिर 4 कार्बन है ना बच्चों, 4 कार्बन से ब्यूटेन हो गया, 3 मिथाइल। देखिए पहले ढूंढिए 3 मिथाइल का, एक ही जगह लिख रखा है, बाकी सारे ऑप्शन ही बेकार बनाए हुए। तो 3 मिथाइल हो गया बच्चों, और फिर 4 कार्बन से ब्यूटेनोइल हो गया। और अब आपको पता है कि एसिड हैलाइड का जो सफिक्स नेम होता है वो क्या होता है, ऑयल हैलाइड। तो ऑयल ब्रोमाइड ब्यूटेनोइल ब्रोमाइड हो गया, ठीक है ना। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ही ऐसा बनाया हुआ है कि एक ही बार में तुरंत आंसर आ जाता है, ठीक है ना, मतलब ऑप्शन अच्छे नहीं बनाए हुए। क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चों देखो यहाँ पर पेरेंट चेन का सिलेक्शन हम करेंगे। तो पेरेंट चेन का हम सिलेक्शन इस प्रकार से कर, देखिए अल्कोहल यहाँ पर क्या है, सीनियर फंक्शनल ग्रुप है। तो अल्कोहल है सीनियर फंक्शनल ग्रुप, और केवल अल्कोहल ही प्रेजेंट है, तो मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल हो गया। तो इस प्रकार से पेरेंट चेन का सिलेक्शन होगा कि अल्कोहल का कार्बन पेरेंट चेन में शामिल होना चाहिए। तो अल्कोहल का कार्बन वही होता है जिससे वो जुड़ा हुआ है, तो इसको पेरेंट चेन में रखते हुए मतलब शामिल करते हुए पेरेंट चेन बनाना है। तो बच्चों 1, 2, 3, 3 कार्बन का पेरेंट चेन ये हो गया। अब नंबरिंग कैसे करोगे ताकि मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप को क्या मिले बच्चों, मिनिमम नंबर मिले। और ये जो C6H5 है बच्चों ये क्या है, फिनाइल है ना। तो क्या बोलेंगे, 2 पर तो फिनाइल हो जाएगा, और फिर प्रोपेन 1 ऑल यहाँ पर दिख रहा है, 2 फिनाइल प्रोपेन 3 ऑल, ये गलत है बच्चों। तो एक ही ऑप्शन है यहाँ पर जो कि करेक्ट आंसर है। अब बच्चों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए कोई सीनियर फंक्शनल ग्रुप है क्या, कोई नहीं है, है ना, सीनियर फंक्शनल ग्रुप नहीं है। कोई डबल बॉन्ड है क्या, डबल बॉन्ड भी नहीं है। इसका मतलब पेरेंट चेन का सिलेक्शन हमें इस प्रकार से करना है ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ जाए, कार्बन आ जाए। तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन को शामिल करने के लिए हमें यहाँ से यहाँ तक जाना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना। अब सवाल होता है नंबरिंग किधर से करें, नंबरिंग हम इस प्रकार से करेंगे ताकि सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिले। तो लेफ्ट से जब आप चलोगे तो बच्चों दूसरे नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट, राइट से चलोगे तो 1, 2, 3 तीसरे नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट, इसलिए जो करेक्ट नंबरिंग होगा वो लेफ्ट से चलेंगे, 4, 5, 6, ठीक है ना बच्चों, ये हो गया। अब इसमें चलिए नाम लिखते हैं। तो देखिए मिथाइल है और आयोडो, आयोडो में आपको पता है आयोडो पहले लिखा जाएगा, तो 4 आयोडो 4 आयोडो जो दो जगह दिख रहा है बच्चों। फिर देखिए दूसरे पर और तीसरे पर 3 मिथाइल है ना, तो 2, 2, 3 2, 2, 3 ट्राई मिथाइल यहाँ पर दिख रहा है बच्चों, और 2, 2, 3 ट्राई मिथाइल और कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो इसलिए इसका भी ऑप्शन बहुत आसान है ना, मतलब ऑप्शन से तुरंत आंसर आ जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बच्चों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 में। बच्चों यहाँ पर देखिए क्या है, मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप पहले पहचान लीजिए, है OH है, तो OH का कार्बन पेरेंट चेन में शामिल होना ही चाहिए। पेरेंट चेन का सिलेक्शन हमेशा किधर से होता है, टर्मिनल से होता है। पेरेंट चेन का सिलेक्शन हमेशा किधर से होता है बच्चों, टर्मिनल से ही होता है। पेरेंट चेन की नंबरिंग कहाँ से होती है, हमेशा टर्मिनल से होती है। किधर से कैसे करेंगे, तो इस प्रकार से करेंगे ताकि मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिल जाए। तो देखिए यहाँ पर ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये हो गया, पेरेंट चेन का सिलेक्शन हो गया बच्चों, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब देखिए यहाँ पर मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप का तो सफिक्स नेम यूज में लिया जाएगा, बाकी मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप को छोड़ करके जो भी ग्रुप पेरेंट चेन से डायरेक्ट जुड़े होंगे वो सब के सब सब्स्टिट्यूएंट होंगे और वो प्रीफिक्स के रूप में लिखे जाएंगे। तो चौथे पर क्लोरो है, तो बच्चों 4 क्लोरो ढूंढिए, 4 क्लोरो यहाँ भी, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों दूसरे और तीसरे पर 2 मिथाइल है, तो 2, 3 डाई मिथाइल यहाँ भी, और इसमें देखिए 2, 3 डाई मिथाइल यहाँ हाइड्रोक्सी बोल दिया, ये तो गलत हो गया बच्चों, हाइड्रोक्सी नहीं होगा, ऑल होगा नाम में, ठीक है ना। तो बच्चों ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया, यहाँ पर 3 क्लोरो दे रखा है उसके कारण गलत हो गया, और यहाँ पर बच्चों देखो दे रखा है 1, 1, 2 ट्राई मिथाइल, ये तो गलत ही हो गया ना बच्चों,
दो ही तो मिथाइल है जो कि पेरेंट चेन में सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। तो 2,3-डाइमिथाइल, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। 4-क्लोरो, फिर 2,3-डाइमिथाइल, फिर हेक्सेन, 2-ऑल हो जाएगा। 2-ऑल क्यों बोला, क्योंकि OH दूसरे नंबर कार्बन पर है बच्चों, तो इसके पोजिशन को हमें बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ए हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बच्चों देखिए, सीनियर फंक्शनल ग्रुप क्या है? तो मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप यहां पर है एल्डिहाइड, लेकिन क्या वो एल्डिहाइड डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हुआ है? अगर सीनियर फंक्शनल ग्रुप बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हो तो बेंजीन का कार्बन पेरेंट चेन होता है, लेकिन यहां पर बच्चों एल्डिहाइड इससे नहीं जुड़ा हुआ है। इसका मतलब बेंजीन यहां पर पेरेंट चेन नहीं, बेंजीन यहां पर सब्स्टिट्यूएंट है, फिनाइल बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? फिनाइल। और ये बाहर वाला कार्बन चेन जो है ना, ये पेरेंट चेन बनेगा। अब इसमें एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड सीनियर फंक्शन ग्रुप हो गया कार्बन वाला, तो इसलिए इसके कार्बन को पहला कार्बन मान करके पेरेंट चेन बना लीजिए। तो ये पेरेंट चेन हो गया बच्चों, दूसरे पर फिनाइल आ गया, और फिर क्या बोलोगे, प्रोपेनल बोलोगे, 2-फिनाइल प्रोपेनल। तो इस हिसाब से बच्चों 20 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे के क्वेश्चन का सॉल्यूशन बच्चों नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लग रहा होगा, कुछ सीखने को मिल रहा होगा। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करने से इंसान बहुत कुछ सीख जाता है।